25,000 के एवज में मैं अपनी जिंदगी को मौत के हवाले नहीं कर सकता। मास्टर जी, मैं खतरा मोल ले सकता हूँ, लेकिन ये तो आत्महत्या है। सलीम, तुम फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टंटमैन हो। तुमने तो कई खतरनाक स्टंट किए हैं और आज इस स्टंट के लिए तुम मुझे ना बोल रहे हो। स्टंट नहीं हो सकता। लेकिन सलीम, नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? मास्टर जी, ये मेरी फिल्म का सबसे हाईलाइट स्टंट है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। ये तो स्टंट होना ही पड़ेगा। लेकिन सर, ये खतरनाक स्टंट अगर सलीम नहीं कर सका तो और कौन करेगा? ये काम मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, इस खतरनाक काम को अंजाम मैं दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस इम्तिहान में खरा उतरूंगा साहब। पर तुम, एक मौका दीजिए। आई थिंक यू लेट हिम डू इट। ओके, गुड लक। बाबा, ये हमने क्या किया बाबा? बिना सोचे बिना समझे आप, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता बाबा? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं, कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई खिलौने नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ आपकी साए की, आपके प्यार की, आपकी जरूरत है बाबा, आपकी जरूरत है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है बाबा, और आपसे बड़े पैर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं बाबा, बाबा राजू। बादशाह, बादशाह, वो तो मैं देखते ही पहचान गया था कि मौत का ऐसा खेल सिर्फ बादशाह ही खेल सकता है। तुम इतने घबरा रहे क्यों? बजरंगी, राजू किले के अंदर जाओ। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह। पिछले 7 सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया। खैर, एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है, लेकिन एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं भूलता। मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया हूं और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? देखो, नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है, नहीं मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा, पहले मेरी रुपए मुझे वापस कर दो। कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम? वहर भोले भंडारी, जरा ही अपने यहां पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास नहीं,
वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहां पे पड़े मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपए अपने कब्जे में किया था? नहीं, हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है। तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया। बस, बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। बादशाह, तू अपने आप को भुला सकता है लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे। घुसा तूने मुझे नहीं, सुल्तान के मुंह पे मारा है बादशाह। अब या तो सुल्तान यहां कर इसका हिसाब लेगा या तुझे वहां जाकर इसका जवाब देना होगा। इसका फैसला मैं तुझ पे छोड़ूंगा। गुड, तो अब मुझे यह पता करना होगा कि बाबू लोहार कौन है। रुक जाओ सुल्तान, मैं यहां सिर्फ यह समझाने आया हूं तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें। मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। इतने वर्षों के बाद आज तो मुझे मिला। खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा अपने रिश्ते के बारे। किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान, किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया। हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने तेरे भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी। मुझे पाप का दर्जा देने की बजाय मेरा पाप बनने की कोशिश मत कर। पाप तो मैं बन चुका हूँ सुल्तान। एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम मुझसे समझ लो, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता। आखिरी फैसला कर चुका हूं इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूं। दोबारा लौट के नहीं आऊंगा, मैं चाह रहा हूं सुल्तान। बादशाह, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया बेटे? यहां आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहां से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़कर खुद देख लो। अच्छा जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को सिद्धा कर देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे। ये हाथ सब तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है।